1982 में आई थी अंगूर, लोगों ने बहुत सराहा। इस फिल्म के लेखक और डायरेक्टर थे गुलजार साहब। इस फिल्म की कहानी शेक्सपियर के एक प्ले पर आधारित है। प्ले का नाम है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। फिल्म की कहानी के मुख्य किरदार दो एक से दिखने वाले जुड़वा पेयर थे, मगर मेन रोल निभाया डेस्टिनी ने, जो इन किरदारों को बार बार एक दूसरे से मिलवाती है और इसी की वजह से फिल्म में ह्यूमर हास्य पैदा होता है। इस फिल्म से जुड़े कुछ राज आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। फिल्म अंगूर को दर्शकों ने खूब सराहा, मगर क्या आप जानते हैं कि इससे पहले भी सन 1968 में इसी प्लॉट पर एक फिल्म बनी थी, जिसकी स्टोरी भी गुलजार साहब ने ही लिखी थी, जिसे प्रोड्यूस किया था बिमल रॉय ने और फिल्म को डायरेक्ट किया था देबू सेन ने, और फिल्म का नाम था दो दुनी चार। सेम, एब्सोल्युटली सेम, बिल्कुल। फिल्म के मुख्य कलाकारों में थे किशोर कुमार और असित सेन, मगर ये फिल्म उस वक्त फ्लॉप हो गई थी। लेकिन गुलजार साहब को कहीं ना कहीं विश्वास था कि ये स्टोरी कमाल की है, इस स्टोरी में दम है, और अगर इसे बेहतर तरीके से बनाया जाए तो ये फिल्म चलेगी, दोबारा चलेगी। और उन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि अगर कभी मौका मिला तो इस फिल्म को खुद डायरेक्ट करेंगे, और उनकी इच्छा पूरी भी हो गई। किशोर कुमार और असित सेन वाले रोल के लिए साइन किया गया संजीव कुमार और देवेन वर्मा को। फिल्म में संजीव कुमार के दोनों कैरेक्टर्स का नाम था, दो जो रोल थे उनका नाम था अशोक और देवेन वर्मा का बहादुर। फिल्म की डबिंग कंप्लीट होने के बाद जब गुलजार साहब ने फिल्म देखी तो उन्होंने नोटिस किया कि दोनों बहादुर सेम हैं, लेकिन देवेन वर्मा ने दोनों की डबिंग में एक छोटे से सा शब्द के बोलने में अंतर कर दिया है। पहले भी एक बार दर्शक सेम कहानी को नकार चुके थे, फिल्म फ्लॉप हो चुकी थी। इस डर के चलते उन्होंने देवेन वर्मा को वापस डबिंग के लिए बुलाया। देवेन वर्मा जी उस वक्त यूएस गए हुए थे, फौरन आए और तुरंत आकर एक रात में ही दोबारा डबिंग की, उस तरह से जैसे गुलजार साहब चाहते थे। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन इसके बाद भी फिल्म में बहादुर के दोनों किरदारों में एक फर्क रह गया था। वो फर्क था कि जो सीधा साधा बहादुर था उसके कुर्ते की फुल स्लीव थी, जबकि तेज वाले बहादुर ने कुर्ते की स्लीव फोल्ड कर रखी थी। मगर यहां मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसके बाद भी कुछ ऐसे सीन हैं जहां पर दोनों बहादुर फुल स्लीव में दिखाई देते हैं। हालांकि बाद में देवेन वर्मा और गुलजार साहब ने इस गलती को, इस माइनर मिस्टेक को नोट किया, मगर उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि वह जानते थे कि इस गलती को कोई नहीं पकड़ पाए। शक्ति सामंत की वो कौन सी फिल्म थी जिसकी कहानी को पूरी सुने बिना ही उस जमाने की सुपरस्टार मधुबाला ने कह दिया यस, और 20,000 एडवांस की रकम के बदले एक्सेप्ट कर लिया एडवांस के तौर पर महज 1 रुपया। आप बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।